फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दम आलू। तो ये मेरे दम आलू की रेसिपी बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी बनी है। तो गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ्रेंडों में भी शेयर कर दें। तो चलो देख लेते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं दम आलू। दम आलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के, बहुत ही मतलब छोटे साइज़ के आलू ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने आधे किलो आलू ले लिए थे, बॉईल करके रखे हुए हैं वो। और यहाँ पर मैंने इसके लिए ले लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 मैंने टमाटर ले लिए हैं। और ये इस तरह से काट लिए हैं मैंने प्याज भी, और अदरक ले लिया है, 3 हरी मिर्ची ले लिए हैं, लहसुन की कुछ कलियाँ ली हैं, और ये टमाटर और प्याज मैंने काट के रखे हुए हैं। 8 से 9 मैंने काजू लिए हैं, 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, गरम मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ले लिया है, 1 स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक लिया है, और ये धनिया पाउडर है, मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। यहाँ पर हमने 1 कप ले लिया है दही, कुछ खड़े मसाले लिए हैं, लौंग, काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, जीरा और ये 30 पत्ता। तो सबसे पहले हम आलू के अंदर इस तरह से फॉर्क से होल करेंगे, सभी आलू में इसी तरह से होल करेंगे, जिससे कि अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करते में अच्छे से अंदर तक ये फ्राई हो जाएं, तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे अंदर तक, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं आलू। तो इनको फ्राई कर लेंगे, पैन में हमने तेल डाल दिया है गर्म करके, सारे आलू हम इसमें फ्राई कर लेंगे, तो इनको गोल्डन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। गाइस, ये बना रही हूँ मैं शाही दम आलू, और ये शाही दम आलू बहुत ही यम्मी बनते हैं, क्रीमी बनते हैं एकदम। आप इसको एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, है ना। और अपने कमेंट्स सेक्शन पर जाकर अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो बस ये हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल चेंज किया है और दूसरा तेल डाला है इसमें थोड़ा सा, और इसमें मैं अब अपनी ग्रेवी तैयार करने के लिए यहाँ पर हम जो हमने वेजेस काटी थी, टमाटर और प्याज, वो इसमें हम पकाएंगे। तो इस टाइम मैंने तेल गरम कर लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालूँगी। इसमें अभी हम प्याज डालेंगे, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। एक दो मिनट भूनने के बाद फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे और लहसुन डाल देंगे। तो दोस्तों, टमाटर एकदम हमें रेड कलर के टमाटर लेने हैं, याद रखें। और इसमें जो हमने हरी मिर्ची ली है वो इसमें हम तोड़ के इसी में डाल लेंगे, और अदरक के भी पीस इस तरह से काट के इसमें मिलाएंगे। सभी चीज़ों को हम पकाएंगे, और इस टाइम हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे कि हमारी सब्जियां अच्छे से थोड़ा पक जाएं। नमक डालने से सब्जियां अच्छे से पक जाती हैं। और इसमें हम ये डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो हमने लिया था, काजू, काजू डालेंगे इसमें, और सभी को डालकर अच्छे से पका लेंगे। ये पक चुकी हैं सब्जियाँ, गैस को हमने बंद कर दिया है यहाँ पर, और सब्जी को ठंडा होने के लिए रख दिया है। और ये ले लिया है एक बाउल, उसमें हमने 1 कप दही डाला है, हल्दी डाल देंगे इसमें, रेड चिली पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला भी डालेंगे, और सभी को अच्छे से मिलाएंगे। तो इसको अच्छे से इस तरह से मिलाना है, इसका क्रीमी इस तरह से हमें बना लेना है पेस्ट। सभी मसाले अच्छे से दही में मिल चुके हैं, और यहाँ पर हमारी ये सब्जियाँ भी ठंडी हो चुकी हैं, पीसने के लिए तैयार हैं। इसको मिक्सी जार में डालेंगे और इसको पीस लेंगे। फाइन पेस्ट इस तरह से तैयार कर लेना है। पैन में फिर से थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेज़पत्ता और ये जो खड़े मसाले हैं वो उसमें डालेंगे।
और जो दही के साथ हमने मसाले बनाए थे, पेस्ट तैयार किया था, उसको डालकर थोड़ी सा इसको हम पकाएंगे। मसाले के अंदर का कच्चापन दूर हो जाए तो तेल में अच्छे से इनको भून लेंगे। पेस्ट भी इसमें मिला लेंगे जो हमने पीसा है। तो इसमें जो जार में हमने पीसा है उसी में थोड़ा पानी डालकर इसमें ग्रेवी में हम मिला लेंगे। और यहाँ पर ग्रेवी आप अपने मनचाहे उससे टेस्ट से इसको रख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, चाहे आप पतली ग्रेवी रखें या थोड़ी गाढ़ी रखें। मीडियम साइज़ की मैंने ग्रेवी बनाई है और ये हमने कसूरी मेथी डाल दी है 1 पिंच, और ये मैंने डाला है क्रीम 3 स्पून मैंने यहाँ पर क्रीम डाल दी है। और ग्रेवी पक चुकी है हमारी और इसमें हमने आलू मिला लिए हैं। बस मिलाकर थोड़ी देर के लिए अभी हम इसको ढककर और 2-3 मिनट के लिए इसको अभी इस तरह से पका लेंगे। ग्रेवी आलू के अंदर अच्छे से इसके फ्लेवर चले जाएं इसीलिए बस। और ये हमारे दम आलू बनके रेडी हो चुके हैं। हरा धनिया डालकर इसको और इस तरह से मिला लेंगे हरा धनिया डाल के। तो दोस्तों ये हमारे दम आलू बनके, शाही दम आलू बनके एकदम रेडी हो चुके हैं। गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए अभी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे भी अपने फ्रेंडों के को भी दिखाएं, शेयर करें मेरी वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।